सुपर 50 जीएस के प्रश्नों के सीरीज 9:30 बजे में आप सभी का स्वागत है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब की बार एक सीट हमार की सीरीज में हम आपके साथ पुनः लाइव हो गए हैं। यह क्लास के लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क एज ए गेस्ट के रूप में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आप सफलता की दहलीज पर कदम दर कदम लगातार आगे बढ़ते रहें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो पहला प्रश्न आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, कॉपी कलम लेकर बैठेगा क्योंकि यह क्लास के हम केवल प्रश्न को विकल्प ही नहीं बताएंगे बल्कि हम इसके उन सभी तथ्यों को पढ़ेंगे जैसे परीक्षा में प्रश्न आते हैं, जहाँ से आपको सिलेक्शन मिलते हैं उन सभी तथ्यों को एक एक करके क्रमवार आपके साथ पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, तो जल्दी से बिना देरी के कमेंट का जवाब दीजिएगा, कॉपी कलम लेकर भी बैठिएगा। पहला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? इसमें जीएस, जीके, करंट और रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज होगी, ठीक है, जो आपके साथ प्रतिदिन लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क लाइव चलेगी। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सभी साथी जो लोग देख रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपके हिसाब से क्या होगा, फिर हम अपने हिसाब से भी बताएंगे कि आपको इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए और आपने क्या और क्यों लगाया है। तो बिना देरी किए आप हमें जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप सभी रेस के घोड़े हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करके जवाब दीजिएगा। 9:30 बजे क्लास आपकी चालू हो चुकी। इस प्रश्न का उत्तर होगा पॉलीकार्बोनेट्स होगा। क्या होगा? पॉलीकार्बोनेट्स होगा। यह बुलेट प्रूफ पदार्थ के प्रयोग करने हेतु इस शीशा, वाहन आदि में प्रयोग में लाया जाता है। ग्लास और दूध की बोतल आदि का इसे निर्माण किया जाता है। लेकिन अगर कुछ लोग कह रहे हैं, बता रहे थे कि पॉलीएमाइड, तो पॉलीएमाइड जो है वो नायलॉन का है। वो क्या है? नायलॉन का, जो नायलॉन होता है, नायलॉन का रासायनिक रूप होता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी सही जवाब होगा। मैंने जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है उन सभी के जवाब सही हैं, ठीक है। और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से निम्नलिखित में से कौन सा रोग ऐसा है जो वायरस की वजह से होता है। जल्दी से जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पर, चाहे यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं, जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आपको पता होना चाहिए, हिपेटाइटिस होगा। क्या होगा? हिपेटाइटिस होगा। हिपेटाइटिस कैसे होगा? स्मॉल पॉक्स, चिकन, जुखाम, पोलियो, रेबीज, एड्स, ये सब वायरस द्वारा होता है। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो डिप्थीरिया जो होती है ये बैक्टीरिया से होती है, ठीक। टिटनेस, प्लेग, टाइफाइड, टाइफाइड भी किससे होता है? आपका कुकुर खांसी, गोनिया, पेचिस, मलेरिया, पायरिया, काला ज्वर, ये सब प्रोटोजोआ से होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो डी होगा। क्या होगा? डी का राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा? डी का राइट आंसर होगा। तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है यकीनन सभी के जवाब पूरी तरह से सही थे। हम और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, एक एक करके आगे बढ़ते हैं क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप सभी रेस के घोड़े हैं। निम्नलिखित में से किसका शराब दवाइयों और वाहनों में के उद्धरण के रूप में प्रयोग किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी साथी जो लोग भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं। ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, साइंस के सवाल की आपको पता होना चाहिए। ये सभी जगह ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं, तो जब सब जगह आते हैं तो जल्दा से देरी आपको सिलेक्शन से काफी दूर ले जा सकता है, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 3 किसका जवाब होगा? इथाइल एल्कोहल, माने सी प्रश्न का सही जवाब होगा। जैसे इसका प्रयोग शराब, दवाई और वायुयान के ईंधन के रूप में किया जाता है। लेकिन अगर मिथाइल एल्कोहल की बात की जाए, इस प्रश्न का उत्तर जो है सी होगा। सी सही है। जो मिथाइल एल्कोहल है ये तीव्र विषैला पदार्थ होता है। इसका प्रमुख उपयोग एथिल एल्कोहल को अपेय बनाने के लिए किया जाता है। इसका कृत्रिम रंग औषधि, ईंधन, सुगंधी पदार्थों के निर्माण के लिए किया जाता है। माने इस प्रश्न का सही विकल्प सी होगा। तो जितने लोग यहाँ पर लाइव देख रहे हैं, ठीक, जरा वो कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दें। क्या यहाँ तक आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई सवाल है तो जरूर पूछ सकते हैं। बताइए जल्दी से कमेंट करने के बाद, जितने भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करिए। समझ में आ गया? हम आगे बढ़ रहे हैं। यार एक वीडियो को अभी एक बार आप लाइक कर लीजिएगा और लाइक करने के बाद वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा कि आज मेरी थोड़ी सी क्लास छोटी हो सकती है क्योंकि मेरा सर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है,
रेगुलरिटी आपकी है, इस वजह से मैं आपके बीच लाइव आया हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, चीन चीन के साम्या शहर में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2018 का खिताब वेनेसा पोंस डी लियोन ने जीता। वेनेसा पोंस का संबंध किस देश से है? देखिए थोड़ा सा प्रश्न आपको पुराने मिल रहे हैं, लेकिन हम जल्दी इस सभी प्रश्नों को एक से दो दिन के बाद करंट के प्रश्न एकदम नए हो जाएंगे। अगली सीरीज के बाद सारे प्रश्न आपको करंट के जो है वो पूरी तरह से नए हो जाएंगे। इसका उत्तर है मैक्सिको। अगला प्रश्न है आपके सामने, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? कत्था बनाने हेतु किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, बताइए कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? प्रश्न नंबर 5, जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी साथी। देखिए कत्था बनाने के लिए खैर नामक वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। खैर वृक्ष यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश में मिलता है। नीम पतझड़ वन है भारत का और इसका औषधि के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। उसके आगे हम लोग देखें ताड़ के वृक्ष की, जो ताड़ होता है प्राय आप देखते हैं इसके ताड़ को लोग उसके रूप में नशा के रूप में इसका ताड़ का इस्तेमाल करते हैं, ताड़ी से कहते हैं। बबुल या कीकर अकेसिया प्रजाति का है, ये रेगिस्तानी पौधे हैं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए राइट आंसर है। भारत की सर्वप्रथम बैटलफील्ड मिसाइल कौन सी थी? भारत की सबसे पहली बैटलफील्ड मिसाइल कौन सी थी? जरा कमेंट करके सभी लोग फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा, चाहे इसे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर जहां भी देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा कि भारत की सर्वप्रथम बैटलफील्ड मिसाइल कौन सी थी। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके प्रश्न नंबर 6 का विकल्प क्या होगा आपके हिसाब से, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके, शेयर कर दीजिए संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, बताइए जल्दी कमेंट करके सभी साथी। देखिए यहां पर हम लोगों ने देखा कि भारत की सर्वप्रथम बैटलफील्ड मिसाइल कौन सी है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पृथ्वी। क्या होगा? पृथ्वी, जो स्वदेशी निर्मित है, जमीन से जमीन मार करती है। आकाश क्या नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये मध्यम दूरी से सतह से हवा में जमीन से हवा मार करने वाला है। अगर हम अग्नि की बात करें तो अंतर महाद्वीपी मार करने वाला है, प्रक्षेपास्त्र है। लेकिन अगर हम नाक की बात करते हैं तो टैंक भेदी है। इस प्रश्न का उत्तर अगर आपसे पूछा जाए तो बी इसका राइट आंसर होगा, बी इसका सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। जब आप सभी को क्लास की टाइमिंग पता है, ये क्लास 9:30 बजे लाइव होती है, आप लोग टाइम से लाइव आ जाए करिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल किस जगह संग्रहित होती है? जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिएगा। जितने भी साथी इस वीडियो को ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क लाइव देख पा रहे हैं वे जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे और जवाब जरूर देंगे। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे और इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। एकदम आसान, एकदम हलवा है, उसे हम रिसाइकल बिन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसाइकल बिन कहते हैं। मैंने इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा शीर्ष का राइट होगा। ये पेपर फर्स्ट सभी के लिए अनिवार्य है। ठीक है, पेपर फर्स्ट किसके लिए? सभी के लिए अनिवार्य है। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बताइए सभी लोग कमेंट करके। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग बताइए कमेंट करके किसने किया। जी हां, आप लोगों ने एकदम सही बताया, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका सबसे पहले प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था, लेकिन इसका विकल्प न होने की वजह से हमें बाल गंगाधर तिलक को चुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां विकल्प नहीं है, इसलिए हमने किसको चुना? बाल गंगाधर तिलक को चुना। याद रखिएगा, आयोग अपनी उत्तर कुंजी में तिलक को ही उत्तर मानता है, याद रखिएगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए होगा, ए इसका सही जवाब होगा। हम आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना? विश्व मंचन 2018 के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान प्रदान किया गया था?
तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 108वां। इसमें से द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी साथी इस वीडियो को ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव देख रहे हैं वे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये जरूर जवाब देंगे। सभी साथी बताइए, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। इनके बारे में अगर दो चार लाइन जानना है तो जान लीजिएगा। धन के बहिर्गमन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनकी प्रसिद्ध रचना थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय निकालने के भारत में गणना, पहले भारतीय थे जिन्होंने इसका प्रयास किया था। जी हाँ, इसलिए इस प्रश्न के अगर हम उत्तर की बात करें, जी इसके उत्तर की हम बात करें तो सी का सही जवाब होगा। जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है उन सभी का जवाब सही होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भूदान आंदोलन की शुरुआत कहां होती? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा क्योंकि क्लास के टाइम आपको पता 9:30 बजे है। मोबाइल में अलार्म लगा के रख लीजिएगा, कुछ भी हो जाए आपकी 9:30 बजे क्लास तब तक बंद नहीं होगी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? प्रश्न नंबर 11, थोड़ा जल्दी पढ़ाएंगे हम। देखिए इस प्रश्न का उत्तर, अगर भूदान आंदोलन की बात की जाए तो ये 1951 और 52 की दशक की घटना है। इसके पोचमपल्ली गांव से शुरुआत किया गया था। किसने? आचार्य विनोबा भावे ने। किसने शुरू किया था? आचार्य, लिखना चाहे लिखेंगे, आचार्य विनोबा भावे। और कहां से? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली। भूमिहीन किसानों को भूमि का वितरण कराना, फिर आगे चलकर 1969 में इन्हें 1969 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और 1983 का भारत रत्न मिला था। क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। ये दो पुरस्कार भी इन्हें मिले थे जो आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। ठीक, हाँ, करंट के लिए आपकी कुछ स्पेशल क्लास चलने वाली है जो आपके 21 तारीख से शुरू हो रही है, करंट स्पेशल कुछ। तो आप लोग जितने लोग लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े हुए हैं वे लोग अपनी मेहनत से तैयारी पूरी कर लें। आपके लिए स्पेशल क्लास की अलाउंस जल्दी टेलीग्राम पर कर दी जाएगी। दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े रहेगा फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। ये करंट की वो स्पेशल क्लास होगी जहां पर हम एक साल के संपूर्ण करंट अफेयर के उन चुनिंदा प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा में पूछे जाने की अपार संभावना है। अगर उन करंट अफेयर की बात की जाए उनमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो मैं क्रमवार आपको बता दूंगा, उसके लिए आप लोग परेशान ना होइएगा। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो जल्दी जल्दी कमेंट करके जवाब दीजिएगा। सभी साथी जितने लोग वीडियो को फेसबुक पेज यूट्यूब पर निःशुल्क लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। देखिए यहाँ पे क्या होगा, वीडा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यह प्राचीन वैदिक साहित्य में वाग्य देवी सरस्वती, देव ऋषि नारद, नागवंशी गुप्त शासक समुद्रगुप्त, उदयन का वीड़ा वादक के रूप में उल्लेख हुआ है। अगर वीड़ा की बात करें क्रमवार से लिखे तो वाग्य देवी सरस्वती, ठीक है, फिर नारद, फिर आपने देखा होगा समुद्रगुप्त, ठीक, इन बीदा उदयन का बीड़ा वादक रूप में उल्लेख हुआ है, उदयन का, इन सभी का। इसलिए यहां पर दिए गए प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो बी इसका राइट आंसर होगा। बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मैंने जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। बी वालों का उत्तर राइट आंसर है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे जरूर पूछ सकते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा, महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। सभी साथी चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा। सभी साथी चाहे गलत हो चाहे सही हो, जवाब आपका आना चाहिए, क्योंकि जब आपने जवाब नहीं दिया इसका मतलब पढ़ाने में कहीं ना कहीं अभी भी कमी है। ठीक, बताइए जल्दी से कमेंट करके।
सभी साथी जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, यार इतिहास है आपके सिलेबस में, सबको पढ़ना है। ये नहीं कि हमारा SST नहीं है, हमारा भाषा है, हमारा या जूनियर तैयारी कर रहे हैं, प्रारंभिक तैयारी कर रहे हैं, सबको देना है भैया, इतना आसान नहीं है। सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन लेने के लिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, बिना मेहनत के तो कुछ होना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बिना मेहनत के हो जाएगा तो भैया बात ही अलग है। यदि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए चलिए ध्यान से देखते हैं प्रश्न नंबर 13 का उत्तर क्या होगा। यहां पर होगा पल्लव राजाओं ने, किसने? पल्लव के राजाओं ने महाबलीपुरम इस मार्ग को समूह पल्लव राजाओं ने बनवाया था। ये कहां पर है? ये तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु में है। इसे इस शहर को मामलापुरम कहा जाता था पहले। तमिलनाडु का प्राचीन शहर, भव्य मंदिर, स्थापत्य, सागर तटों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके लिए काफी ज्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। कोई दिक्कत यहां से, कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं सभी साथी, चाहे आप इसे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं सभी लोग इसके बारे में जानेंगे। 7वीं शताब्दी में पल्लव राजाओं ने की राजधानी थी। अगर बेदेश्वर मंदिर की बात करें तो ये रसराज चोल प्रथम ने ग्रेनाइट से बनवाया था। ये तमिलनाडु के तंजौर में है। चालुक्य वंश की अगर हम बात करें, अगर हम चालुक्य वंश के राजाओं की बात करें, जिसमें विक्रमादित्य द्वितीय का प्रथम स्थान, प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पद्रकल विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये से बहुत सारी चीजें हैं जो आपके परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो ये आपको डिपेंड करता है कि आप कितना अध्ययन कर पाते हैं और कितना आप मेहनत कर पाते हैं। ठीक है, सिलेक्शन के लिए इन तथ्यों को जानना ही नहीं बल्कि मेहनत से पढ़ना भी होगा। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली प्राइवेट मानव रहित विमान फैक्ट्री प्रारंभ हुई? चलिए बताइए। देखिए, अगर हम प्रश्न नंबर 14 की बात करें तो हाल ही में इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हैदराबाद। क्या होगा? हैदराबाद। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। अगर हम प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 15 में माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला कौन है? सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं, चाहे आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब देंगे। बताइए जल्दी कमेंट करके सभी साथी, चाहे जहां भी से आप देख रहे हैं। देखिए, यहां पर माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 15 में, तो 2 बार संतोष यादव, जी हाँ 2 बार संतोष यादव, कब? 1992 और 1993, ये दोनों मई में, क्योंकि उसी समय खुलता है ना, मई में। इसके अलावा कांगसोंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला थी कौन? कांगसोंग। संतोष यादव हरियाणा के रेवड़ी जिले में थी। ठीक है, अगला इंडिका पुस्तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। सरकारी शिक्षक बनना है अगर आपको तो ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। अगर आपने ये सीरीज पूरी पढ़ ली, यकीन मानिए परीक्षा में हंसते हुए बाहर आएंगे और कहेंगे कि काश इस क्लास को आपने पहले पढ़ा होता, काश इस क्लास को आपने पहले ज्वाइन किया होता, यकीन मानिए। देखिए, इंडिका नामक जो पुस्तक है वह मेगस्थनीज ने लिखा था। मेगस्थनीज सेल्कोस निकेटर के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 300 ईसा पूर्व पहले अपने राजदूत मेगस्थनीज को भेजा था। पाटलिपुत्र में रहते हुए मेगस्थनीज ने देखा, जो सुना, उसे इंडिका नामक पुस्तक में लिख दिया। ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी को कोई समस्या नहीं है ना? अगर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन, यह भारत के संविधान में कहां वर्णन किया गया है? बताइए जल्दी से कमेंट करके, समान काम के लिए समान वेतन, यह भारत के किस संविधान में कहां पर इसका वर्णन किया गया है? बताइए जल्दी से मेरे प्यारे साथियों, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जवाब दे जल्दी से। आप लोग तो यार ऐसा शांत हो जाते हैं, मुझे ही लगता है यार क्या बात है। देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन की अगर हम बात करें तो यह राज्य के नीति सिद्धांत में दिया गया है। यह संविधान के
भाग चार में है। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो नीति सिद्धांत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, और यह अनुच्छेद 39 घ के अंतर्गत दिया गया है कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह डी का राइट आंसर होगा। यह ऐसे यूनिक प्रश्न की सीरीज है जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार जहां से आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो भैया देरी अब किस बात की, अब तो आपको सिलेक्शन लेना है। कि अभी भी आपके पास कोई इफ बट लगा हुआ है, कोई बट नहीं है ना, जब कोई बट नहीं है तो आप लोग अब भी अपना बेहतर दे दीजिएगा। यकीन मानिए सफलता आपके कदमों में होगी। यहाँ से कितने प्रश्न बने आपके, ये बना, ये कब से कब तक फैला है, किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, ये तीन तीन टॉपिक हमने आपको तोड़ कर बता दिया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। भारत की संसद में शून्यकाल शुरू हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट यूनिक प्रश्न है। ये प्रश्न बड़ा ही ट्रेंडिंग रहता है, बराबर यहां से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। अगर आपने सिलेक्शन लिया है या लेने के लिए सोच रहे हैं तो भैया अब देरी मत करिए, अब देरी नहीं करना है आपको। अगर आपने देरी अभी किया ना तो फिर लटके रह जाएंगे। हाँ, इसी तरह के प्रश्नों को पढ़ना है। ये दोपहर 12 बजे से समय होता है, कब से, 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारतीय संसद दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल होता है। ये कब आता है, ये प्रश्नकाल के बाद आता है, प्रश्न काल के बाद शून्यकाल आता है। लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, दोनों प्रश्न में कंफ्यूजन ना हो। शून्यकाल में बिना पूर्व सूचना के अविलंबनकारी या अविलंबनी लोक महत्व के विषय की प्रश्न उठाने की प्रथा है। शून्यकाल के समय उठने वाले प्रश्न का सदस्य तुरंत उत्तर कार्रवाई चाहते हैं। अगला है वियना 2018 को ओपेक कॉन्फ्रेंस की जो बैठक आयोजित की गई थी, इसमें 175वीं थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है। देखा आपने इतिहास, भूगोल, संविधान, सभी का कितना बेहतरीन मिक्सर है इसमें, देखा आप लोगों ने। बताइए, बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट करके सभी लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं। भारत में लोकसभा के लिए प्रथम सामान्य निर्वाचन कब हुआ था, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न, देख रहे हैं ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा में। यह प्रश्न का उत्तर जो होगा ना 1952 होगा, कैसे आई देखते हैं। भारत का प्रथम आम चुनाव सुकुमार सेन के नेतृत्व में हुआ था, 14 राष्ट्रीय राजनीतिक दल भाग लिए और यह चुनाव 21 फरवरी 1952 को संपन्न हुआ। कब, 21 फरवरी 1952 को यह संपन्न हुआ था। कुल मतदाताओं ने इसमें हिस्सा लिया था, इसमें जो सीट थी 489 थी। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर आपको पता चल गया, डी का राइट आंसर होगा। आप लोग बताइए क्या पढ़ाने में कमी है, क्या आपको लगता है कि मैं आपको ये बताऊं कि आप वीडियो शेयर करें, लाइक करें, क्या आपका दायित्व तो नहीं बनता। मेरा दायित्व तो बना कि मेरे सर में इतना पेन हो रहा था, लेकिन फिर भी मुझे ये लगा कि मेरे से पेन से ज़्यादा आपकी क्लास जरूरी है। ठीक, 19 का 175 होगा। अगला प्रश्न आपके, एक आर्थिक व्यवस्था जो निजी तथा राज्य के उपक्रम को मिलाकर बनाई जाती है वो कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती है, बताइए कमेंट करके। सभी लोग जरा कमेंट कर बताएं कि आर्थिक व्यवस्था जो निजी तथा राज्य के उपक्रमों को मिलाकर बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, जवाब दीजिए सभी लोग कमेंट करके। जल्दी से कमेंट कर बताइए, देखिए अगर आप लोग मदद नहीं करेंगे ना तो फिर हमें पढ़ाने में बहुत ही दिक्कत होगी। क्या बताएं,
आप लोग तो जरा से मदद नहीं करें कैसे। देखिए उसे हम कौन से इकोनॉमिक्स कहते हैं, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने इसका सही उत्तर बताया है, वैसे मैं इसके सभी के बारे में व्याख्या करता हूँ। इसे हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके अलावा भी जानते हैं हम, एक होता है इसी के अंतर्गत आता है, जैसे आ गया अल्पाधिकार, एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारी प्रतियोगिता, इन सभी के बारे में अगर आप कहें तो हम आगे बात कर लेंगे सभी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेरे सर में पेन ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा प्रश्न की आज, कल वाली क्लास को और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। कार और डीजल किसके उदाहरण है? संयुक्त आपूर्ति, संयुक्त मांग, मांग आपूर्ति, किसके? कार और डीजल किसके उदाहरण है? कार और डीजल किसके उदाहरण है? जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिएगा। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, अब की बार एक सीट हमार, अब की बार एक सीट हमार, बताइए। बताइए सभी लोग, अगर यहां पे प्रश्न का जवाब आप लोग नहीं देख पाएंगे तो कैसे परीक्षा में जाएंगे बताइए। चलिए इसको हम अच्छे से बताएंगे। कार और डीजल जो है ये संयुक्त मांग के उदाहरण है। किसके? संयुक्त मांग के उदाहरण है। दूसरा, जब कभी भी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ दो वस्तुओं की मांग की जाती है तो उसे संयुक्त मांग कहते हैं। जैसे ब्रेड और बटर, क्रिकेट और बाल, कॉपी और किताब, इलेवन में दुर्गेश की क्लास और नोट्स। जी हाँ, 69 जब सिलेक्टेड है दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, कभी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ दो वस्तुओं की मांग की जाती है तब जाकर वहां पर क्या होगा? संयुक्त मांग। जैसे क्रिकेट के साथ बाल, किताब के साथ कॉपी, जूते के साथ मोजा, ऐसे शर्ट के साथ बटन, मतलब जरूरी नहीं बिना बटन के भी शर्ट होते हैं। तो वहां पर हमने देखा इलनी बिदुर्गेश के क्लास के साथ नोट्स, प्रैक्टिस सेट, तो ऐसे जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त मांग की श्रेणी में रखते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति, एकदम यूनिक प्रश्न है जो एक सीरियस स्टूडेंट होगा वे जरूर इस बात को अच्छी तरह से जानता होगा, अच्छी तरह समझता होगा कि ऐसे प्रश्न ही परीक्षा में आते, सब ट्रेंडिंग प्रश्न है। भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है ना, वो गोंड जनजाति है। कौन सी जनजाति? गोंड जनजाति है, इसका सही जवाब होगा। इसकी संख्या अगर देखा जाए तो 74 लाख है, लगभग 74 लाख। इरुला जो है, इरुला कुछ लोग कह रहे हैं ये तमिलनाडु के जनपद में, एक तिरुवल्लुपुर है जनपद में पाई जाती है, ये 1 से 2000 के बीच है। अगर हम पनियन की बात करें, पनियन एक जनजाति है छोटी सी जो मरोज क्षेत्र में पाई जाती है। राजी, ये बनरावत कहते हैं, जंगल के राजा, बनरावत आदि के नामों से जाने जाते हैं। लेकिन अगर दूसरी जनजाति देखा जाए, भील है। क्या है? भील। वो कितनी है? वो 54 लाख है। भील कितनी है? 54 लाख है। ठीक, कितनी है? 54 लाख है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? उत्तर समझ में आ गया ना? चलिए, जिसके सही थे उनके अच्छी बात है, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? इस प्रश्न का उत्तर होगा, एकदम रट लीजिए, ये ऐसे ऐसे प्रश्न है ना जो आपके चुन चुन कर आते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा जलोढ़ मृदा, एकदम रटने वाले प्रश्न है, जलोढ़ मृदा। आई जलोढ़ मृदा के बारे में बात करते हैं, ये भारत की सबसे अधिक उपजाऊ है, इसमें पोटाश, चूना मिलता है, ठीक है, लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन, जीवांश का अभाव रहता है। यह धान की खेती के लिए, तिलहन, दलहन, गेहूं के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है और यह भारत में लगभग 43.4% क्षेत्रों में फैली हुई है। अगर हम
लाल मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी में लोहे का अंश पाया जाता है, इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस चूना की भी कमी पाई जाती है। काली मृदा कपासी मृदा कहते हैं, इसे रेगुर मृदा कहते हैं, रेगुर मृदा कहते हैं, चूनेदार मृदा कहते हैं, ठीक इसे क्या कहते हैं, रेगुर मृदा कहते हैं, चूनेदार मृदा कहते हैं, इन नामों से भी यह जाना जाता है। अब चूनेदार मृदा क्या है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये कपासी मृदा भी कही जाती है, लेकिन इसका उत्तर जो होगा वो सी होगा। क्या होगा? सी इस प्रश्न का राइट होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ये जो हॉकी का क्वेश्चन है, ये 25 नंबर क्वेश्चन, ये पुराना करंट अवेयरनेस है क्योंकि आज गलती से टाइप हो गया है झटके में, क्योंकि मैं दे के चलाया था और मैं उसे मिला नहीं पाया। इसी प्रश्न का उत्तर क्या होगा? नीदरलैंड है, 25 का डी। आगे देखते हैं, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? ध्यान से बताइए कमेंट करके, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे इसे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, जहां भी आप इसे देख रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं, इसमें भारत में विद्युत रेल की बात करें तो 1925 में चली थी भारत की पहली रेल। ये विद्युत रेल बॉम्बे वीटी से कोल्ला के बीच चली थी 1925 में, वीटी से कोल्ला के बीच। वायुमंडल में किस मंडल में वायुयान उड़ने के लिए आदर्श मंडल पाया जाता है? जवाब दीजिएगा सभी साथी। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा आपका, जो इसका उत्तर होगा वह समताप मंडल होगा। इसमें मौसम संबंधित कोई भी घटनाएं नहीं घटती, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर समताप मंडल। क्षोभ मंडल में मौसम परिवर्तित घटनाएं होती हैं। मध्य मंडल में पूरे वायुमंडल का सबसे कम तापमान होता है। आयन मंडल में यहां पर तरंग दैर्ध्य के लिए होता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह 20 का राइट आंसर होगा। 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला, इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिएगा। ऑनलाइन क्लास एंड नोट्स के संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, ई-लर्निंग विद ग्रेस के ऑफिस के नंबर पर बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरी क्लास निःशुल्क देशहित में, राष्ट्रहित में, फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर चलती है। मेरे बचे हुए समय में मैं आपको अपना बेस्ट देता हूँ देशहित के कार्य में, राष्ट्रहित के कार्य में, ताकि आप भी अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकें। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी, आइए इस बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं और आगे बढ़ते हुए चलते हैं। देखिए इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना आप लोगों ने, बहुत सही लोगों ने सही बताया है, रास बिहारी बोस ने की थी। इनका जन्म 1886 में हुआ था और वायसराय 1912 में हार्डिंग पर बम फेंकने के मुख्य अभियुक्त भी थे। बाद में बैकांग चले गए और इनकी जापान में 1945 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय के बारे में कोई एक लाइन बताइए। मोतीलाल नेहरू के, महात्मा गांधी के, इन सभी के बारे में एक एक लाइन आप बताइएगा। जरूर, मोतीलाल नेहरू कौन था, एक जीएस का प्रश्न। लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी, ये कैसे नेता थे, गरम दल के थे कि नरम दल के थे, महात्मा गांधी, राज बिहारी बोस, इन सभी के बारे में आपको एक एक लाइन के बारे में जवाब देना होगा, क्योंकि ऐसे आपका तैयार हो जाएगा। पंजाब केसरी सही जवाब, क्योंकि जीएस ऐसे ही तैयार होता है, एक एक कदम चल चल के। मैंने कैसे तैयार किया, एक एक कदम पढ़ पढ़ के। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 29। जब संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेते हैं तो उस स्थिति में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? संयुक्त राष्ट्र के सदस्य यूएनओ में कुल कितने सदस्य देश हैं, कमेंट करके बताइएगा। जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं, वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जल्दी से कमेंट करके बताइए, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। चलिए
यहां से ध्यान दीजिएगा, इसमें कुल 193 देश है। 193 कौन सा है कमेंट करके बताइएगा। इसमें दो तिहाई बहुमत, कितना? दो तिहाई बहुमत। इस प्रश्न का राइट आंसर है क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा, मतलब जितने साथियों ने इस प्रश्न का जवाब दिया है ए, उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही। अब आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य में सबसे पहले खाद्य सुरक्षा योजना लागू हुई थी? फूड सिक्योरिटी बंद जी, खाद लाठी चार में सही जवाब। फूड सिक्योरिटी बिल सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? देखिए इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा आपको बताने लायक है, जहां मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा कि इस प्रश्न का जो सही विकल्प है या जो सही उत्तर होगा वह है आपका मध्य प्रदेश एमपी। देखिए तमिलनाडु में अगर बात की जाए, तमिलनाडु में 1 नवंबर 2016 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने वाले की बात, लागू करने वाला देश का अंतिम राज्य बन गया, ठीक है तमिलनाडु। अगला है प्रधानमंत्री मोदी ने दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में 24 दिसंबर 2018 को कितने रुपए का सिक्का लॉन्च किया था? इसका उत्तर होगा 100 रुपए का सिक्का लॉन्च किया था। अगला, निम्नलिखित में खेलों में से किस खेल का समांतर सबसे कम खेल समय है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा सबसे कम किस खेल का समय है। ये यूनिक प्रश्न मिला, जरा कमेंट करके कोई बताए, जो कंपटीशन परीक्षा देते हैं वो जरा कमेंट करके जवाब दें कि सबसे कम खेल का समय कौन सा है। बताइए सभी लोग कमेंट करके। अब जवाब ही नहीं देंगे आप लोग, चलिए आइए देखते हैं। देखिए यहां पर कबड्डी 20-20 मिनट का होता है, दो हिस्सों में खेला जाता है, प्रत्येक टीम पाला बदलती है, उनके लिए 5-5 मिनट का ब्रेक मिलता है। इस खेल में 7-7 प्लेयर होते हैं। फुटबॉल की बात करें, हॉकी की बात करें तो हॉकी 35-35 मिनट का खेल होता है, 35-35 मिनट का खेल होता है, जिसमें प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 11 होते हैं। अगर हम फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल कितने मिनट का होता है? 90 मिनट का होता है, ठीक। अगर क्रिकेट की बात करें तो भैया ये वनडे होता है। और वहाँ खिलाड़ी की बात करें तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 प्लेयर होते हैं। हॉकी में यहाँ पे 7 प्लेयर होते हैं, हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं, फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं, क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। कबड्डी में 5 मिनट का ब्रेक होता है, फिर पाला बदला जाता है, ठीक है, 5 मिनट के ब्रेक के बाद पाला बदला जाता है। अब आपको मैं उम्मीद करता हूं आराम से बता लेंगे जवाब कमेंट करके। ए इसका सही जवाब होगा। फैंग किस देश की मुद्रा नहीं है? नहीं है, ध्यान से देखिएगा वरना आता हुआ प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। फैंग किस देश की मुद्रा नहीं है? अब की बार एक सीट हमार, कर हर हर मैदान फतेह, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ थोड़ी सी आप तबीयत मेरी सही नहीं, मेरा सर में बहुत पेन है, इसलिए आपको थोड़ा सा उबन लग रहा होगा जी क्लास। देखिए अगर इसकी बात करें हम, फैंग किस देश की मुद्रा नहीं है, तो यह होगा बेनिन की है, माली की है, टोंगो की, केन्या की नहीं है। अगर हम केनिन की बात करें या केन्या की बात करें तो शिलिंग है, यहाँ की मुद्रा क्या है? शिलिंग है। 31 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करिएगा। यहाँ पे चारों प्रश्न की चारों, मतलब प्रश्न के चारों विकल्प की व्याख्या होगी। जितने लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया ईश्वर करें अगली शिक्षक भर्ती में उनके एक स्थान जरूर फिक्स हो, क्योंकि उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ हमारा साथ दिया है। ईश्वर और उनके माँ बाप का आशीर्वाद उनके साथ जरूर रहेगा। और बाकी सभी जो लोग देख रहे हैं जिन्होंने मेहनत से पढ़ा है वे सभी सिलेक्शन के असली दावेदार हैं। आप सभी को पहले तो धन्यवाद, दूसरा मेहनत करिए। 31 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है कॉमेंट करिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है कोई कमेंट करके बताएं कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है।
बताइए जल्दी से, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? कोई नहीं बताएगा। देखिए अगर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछ दिया जाए तब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तब ती हो जाएगा 28 फरवरी। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये 10 नवंबर। याद रखिएगा, आप लोगों ने सबने गलत बताया, कोई भी सही नहीं बताया, कोई भी इस प्रश्न का उत्तर सही नहीं बताया, कोई सही नहीं बताया इस प्रश्न का उत्तर। देख लीजिए कितने लोगों ने गलती किया, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस, लेकिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। भैया आप लोगों ने गलती किया, इसलिए कहते हैं 9:30 बजे क्लास मिस मत करिएगा, ऐसे आप लोग ट्रेंड हो जाएंगे, परीक्षा में ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे आप। जी हाँ, कभी आपसे गलती ऐसी नहीं होगी, यहां पे जितनी गलती करना है कर लीजिएगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय पूछ दे, विश्व का पूछ दे, तो 10 नवंबर होगा। लिख लीजिएगा कहीं कॉपी कलम लेकर। प्रश्न नंबर 35, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कैंसर संस्थान 18 दिसंबर 2018 को हरियाणा में कहां खोला जा रहा है? तो इस प्रश्न का भी जवाब, झज्जर, बारसा गांव। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? 36 ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ, जिनका यूजी में 50% कम है और पीजी में ज्यादा हो फॉर्म भर सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, हाँ कुछ लोगों ने सही बताया था, हर्ट्ज माप क्या मापने की यूनिट है? देखिए ये तरंगों की आवृत्ति मापती है, ये क्या करती है, तरंगों की आवृत्ति मापती है। तीव्रता की बात करें तो डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता या हर्ट्ज जो है, ये तीव्रता जो मापती है वो डेसिबल। तरंग दैर्ध्य की बात करें तो साधारणतः किसमें मापते हैं बताइए? तरंग दैर्ध्य ये क्या है बताइए, इसका सही मात्रक क्या है? इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग 9:30 बजे का टाइम नहीं पता है ना लाइव क्लास का, 6:30 बजे करेंगी क्लास चलती है, सुबह 6:30 बजे करंट, सुबह 6:30 बजे सूर्य की पहली किरण के साथ करंट की सीरीज आपके लिए चलती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, समुद्री शैवाल से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलता है? समुद्री शैवाल में से कौन सा तत्व मिलता है? जल्दी से बताइएगा, बताइए जल्दी से, समुद्री शैवाल से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलता है? आर्गन ये निष्क्रिय गैस है मेरे मालिक, ये है निष्क्रिय गैस है, 0.93%। आयोडीन एकदम सही जवाब, आयोडीन एकदम सही जवाब है, जितने लोगों ने आयोडीन बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। आयोडीन मानव शरीर के लिए आवश्यक है। अच्छा बताइए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये हानिकारक कीटाणु को मारती है, इसके हार्मोन से थायरॉक्सिन की कमी को पूरी करती है। ठीक है, देखिए अम्लीय वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषण से होती है? अम्लीय वर्षा 38 का जवाब दीजिएगा, सभी लोग 38 का जवाब दीजिएगा। देखिए 38 अगर हम बात करें, इस प्रश्न का उत्तर होगा नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल गंधक का तेजाब बनते, इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक, अगर कोई दिक्कत कोई समस्या बताइए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भी ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? आइए मैं इस चारों विकल्प की व्याख्या कर देता हूं, जो लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग ऐसी सीरीज देखने के बाद याद करेंगे कि यूट्यूब पर भी कोई क्लास ऐसी भी चलती है। देखिए ज्योति तीव्रता की हम बात करें, इसका मात्रक कैंडेला है। क्या है? कैंडेला है, और ये सदिश राशि है। दो प्रश्न आपका तैयार। क्यूरी के बारे में बता दें, क्यूरी क्या किसी को पता है? क्यूरी यह रेडियोएक्टिव पदार्थ है, किसका?
ये रेडियक्टिव पदार्थ की, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, रेडियक्टिव पदार्थ की सक्रियता, सक्रियता एक क्यूरी बराबर, पता किसी को एक क्यूरी बराबर क्या होता है किसी को पता है? 3.7 × 10^10 विघटन प्रति सेकेंड, विघटन प्रति सेकेंड। फैराडे क्या है पता है? ये एक महान भौतिक वैज्ञानिक थे, इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, विद्युत अपघटन के नियम और डायनेमो का आविष्कार किया है, डायनेमो का आविष्कार किया है, विद्युत विघटन के नियम बनाए हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम बनाए हैं। वेबर क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, किसका? चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का यह मात्रक होता है, किसका? चुंबकीय फ्लक्स का यह मात्रक होता है, ठीक है। इसलिए यहां पर जितने लोग इस प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं, इसका उत्तर क्या होगा? डी होगा। क्या सबको समझ में आ रहा है? जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सबको समझ में आ गया ना? जी हाँ। हाँ, क्यूरी मैडम क्यूरी थी, इन्होंने इसका खोज किया था। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन कौन से हैं? सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? देखिए, सूर्य में जो नाभिकीय ईंधन है वो कैसे ऊर्जा मिलता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य को जो ऊर्जा मिलती है कैसे मिलती है? लिखना चाहे लिख लीजिएगा, नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य की अपमारित ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकीय से हीलियम निकलता किससे? हाइड्रोजन से टूटता है, हाइड्रोजन टूटकर किसमें बदलता है? हीलियम में बदलता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। हाइड्रोजन टूटकर हीलियम में जाता है, हाइड्रोजन टूटकर हीलियम में जाता है। इस प्रश्न को आप लोग हल कर लीजिएगा और आज की क्लास को ध्यान से देख लीजिएगा। ऑनलाइन क्लास से नोट संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, ई लर्निंग पे दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, आप लोग चाहें तो जुड़ सकते हो, आपकी इच्छा है। ये क्लास जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से आपके लिए निःशुल्क देशित में राशित मेरे द्वारा चलाई जाती है। और अन्य क्लास के लिए टेलीग्राम सभी ज्वाइन कर लें, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग पे दुर्गेश। प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे सूर्य की पहली किरण के साथ आपको डेली करंट अफेयर की 2020 नैनो सीरीज मिलती है, जिसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। आज की क्लास में ज़्यादा हम, क्योंकि मेरा सर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, फिर भी मैंने आपकी क्लास ली ताकि आपका शेड्यूल न बिगड़ने पाए। तो यहाँ पर आपको बताना है, चिन्ह बदलना है। यदि गुड़े का अर्थ प्लस हो जाए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गुड़े का अर्थ जो है वो क्या हो जाए? प्लस हो जाए, और भाग्य का जो अर्थ है वो माइनस हो जाए, और फिर प्लस का जो अर्थ है वो भाग हो जाए, और जो माइनस का अर्थ है वो गुड़े हो जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं 14+4 − 70/10 गुड़े दो, 14+4 − 70/10 गुड़े दो। अब देखिएगा यहाँ पे प्रश्न लगेगा कैसे, ये 10 से भाग देंगे 70 में 7 हो जाएगा, तो 14+4 = 18 हो जाएगा, 18 − 10 में 7 / 2 तो 18 में से 14 जाएगा, बचे कितना? 4। इसका उत्तर क्या होगा? डी, अर्थात इसका उत्तर 4 सही है, ठीक है। सभी लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके जुड़ सकते हैं, इलानी पे दुर्गेश के फेसबुक पेज पे इलानी पे दुर्गेश, इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब इलानी पे दुर्गेश। डेली प्रैक्टिस सेट की सीरीज आप लोग को मिलती रहेगी। आज की सीरीज में ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा, मेरे सर ने बताया ना बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक। और फेसबुक पे जुड़े हैं तो फेसबुक पे शेयर करिएगा, और अगर कोई मन में प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा जूनियर की फर्स्ट पेपर की फर्स्ट सीरीज है, और प्राइमरी वाले भी पढ़ सकते हैं, 50 नंबर यहाँ से आपका तैयार होगा। क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। बाय बाय, थैंक यू आप सभी का, जितने लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया है। पैसे तो मुझे नहीं मिलेंगे उसके, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपने एक बड़ा काम किया, उन लोगों तक पहुँचाया जिनको इनकी ज़रूरत थी। थैंक यू, अब की बार एक सीट हमार, बाय बाय। रेगुलरिटी है इसलिए मैंने लाइव, मुझे आना ज़रूरी था।